नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी अमृतसर चंडीगढ़ इंटरसिटी, अमृतसर से चंडीगढ़ की जर्नी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चंडीगढ़ से अमृतसर में चलने वाली चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी की जर्नी। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने सेकंड सेटिंग कवर की थी, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ थर्ड एसी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मेरी जर्नी कैसी रहती है, कैसा है यहाँ का थर्ड एसी, क्या कंफर्टेबल होगी जर्नी। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसी रहती है मेरी जर्नी। मैं आप सबके साथ वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता ही रहता हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये अपना कोच आप देख सकते हैं, एकदम नया नवेला कोच है अपना। तो ये देखिए जी, इंटीरियर हमारे कोच का फर्स्ट इंप्रेशन ऑसम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साफ है कोच। एंड आप ये देख सकते हैं थर्ड एसी का ये कोच है, साइड पे ये सीट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। एंड यहाँ पे पिलो वगैरह, चादर, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी जो सीट्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं। एंड एक बात तो है, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा है यार, इतनी साफ़ सफाई प्रीमियम ट्रेन्स की जो होती है ना, वैसी फील आ रही है इस कोच में। एक यहाँ पे टेबल है अपना सामान रखने के लिए, यहाँ पे दो चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे आपका सामान रखने के लिए। जैसे मैंने आपको पिछली जर्नी में भी बताया था, जो मैंने अमृतसर से चंडीगढ़ की थी, कि ये वाली जो ट्रेन है इस रूट की बहुत ही डिमांडिंग ट्रेन है, ज़्यादातर फुल ही रहती है। तो उसको देखते हुए इसमें क्लास इंक्रीज़ की गई, स्लीपर भी लगाया गया, थर्ड एसी भी लगाया गया, सेकंड एसी भी लगाया गया। हालांकि जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा हूँ, ये 4:40 पे यहाँ से डिपार्ट होती है चंडीगढ़ से, स्लीपर सुबह वाली में है जो चंडीगढ़ से अमृतसर जाती है, उस पर स्लीपर है। एंड इस वाली में थर्ड एसी, सेकंड एसी एंड सेकंड सीटिंग है। अगर फेयर की बात करूँ तो सेकंड सीटिंग का आपको 125 पड़ेगा, एंड अगर आप चेयर कार में जाते हो तो 445, थर्ड एसी का 555 555 पड़ेगा, एंड सेकंड एसी का पड़ेगा आपको 760 रुपीज़। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे ही मैं थर्ड एसी में एंटर हुआ हूँ, एसी चल रहा है, बहुत सही है यहाँ पे, बहुत ही रिलैक्स है, कंफर्टेबल है। अगर आपने मेरी सुबह वाली जर्नी नहीं देखी, वो जाके अभी देखिए, वो मैंने की थी सेकंड सेटिंग में अमृतसर से चंडीगढ़ में। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले जाइए वो वाली वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। साफ़ सफाई बहुत है इस गाड़ी में, देख के ही पता लग रहा है कि हाँ मेंटेनेंस की जाती है इस गाड़ी की। ये है जी चंडीगढ़ इंटरसिटी का वॉशरूम, वॉशरूम तो नीट एंड क्लीन है अभी तक। तो दोस्तों, आपने इंटीरियर तो देख लिया, वॉशरूम भी देख लिया, देखा आपने कितनी साफ सफाई है इस गाड़ी में। तो ये है यहाँ का सेकंड एसी, आप देख सकते हैं इसमें क्या सिस्टम होता है। साइड वाली में तो साइड अपर साइड लोअर होती है, और जो ये वाली सीट्स है ना, आपने देखा होगा थर्ड एसी में तीन सीट्स होती हैं, तीन इस तरफ तीन ऑपोजिट, लेकिन इसमें क्या है, दो ही सामने है और उसके ऑपोजिट भी दो सीट्स ही रहती हैं। और इसमें आपको प्राइवेसी मिल जाती है, आप जो है ये कर्टन्स वगैरह आगे कर सकते हैं, जो साइड लोअर पे बैठे हैं वो भी कर्टन कर सकते हैं, आपको प्राइवेसी मिल जाती है। बाकी जो कोच है वो तो थर्ड एसी के जैसा ही सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे जो फीचर्स आपको वहाँ पे दिखाए थे वो यहीं पे आपको मिल जाते हैं। जो इसको मेन मेजर इसके दो ही हैं, एक तो प्राइवेसी मिल जाती है, आपको कर्टन्स वगैरह कर सकते हैं, सेकेंड जो यहाँ पर सीट्स हैं, यहाँ पर दो है और इस साइड भी दो हैं, एंड जो थर्ड एसी में है वो तीन इस तरफ हैं एंड ऑपोजिट भी तीन हैं। अभी काफ़ी वक्त पड़ा है ट्रेन चलने में, अभी 4:15 हुए हैं और 4:40 पे हमारी ट्रेन चलनी है। इतनी देर मैं चलता हूँ, अपनी सीट पे बैठता हूँ और साथ में पीता हूँ इंडियन रेलवेज़ की चाय। आप बने रहिए वीडियो के साथ, मैं मिलता हूँ आपको चंडीगढ़ से जब डिपार्चर करेगी हमारी ट्रेन तब। स्वराज के ट्रैक्टर जाते हुए हमारी चंडीगढ़ इंटरसिटी खड़ी है थर्ड प्लेटफॉर्म पे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे तेज़ी से काम चल रहा है रीडेवलपमेंट का, ये देख सकते हैं ये बिल्डिंग सामने, ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड भी, ये सामने देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हुए थे।
अमृतसर भी रीडेवलपमेंट स्टेशन की लिस्ट में था, पता नहीं किस वजह से अभी तक वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। लुधियाना में भी काफी काम कंप्लीट हो गया है, चंडीगढ़ में भी बहुत टाइम से काम चल रहा है, लेकिन अमृतसर में अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ ये काम। इसके पीछे का क्या रीजन है अभी तक नहीं पता। अगर आप में से किसी को भी पता है कि अमृतसर रेलवे स्टेशन पे रीडेवलपमेंट का काम अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइए। अपने निर्धारित समय पे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। साहिब ज़्यादा अजीत सिंह नगर मोहाली स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो रहा है। तो इंटरसिटी कर गई है क्रॉस मोहाली। मोहाली हम 13 मिनट लेट पहुंचे हैं। मोहाली में इंटरसिटी का सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉप है। अब 6:47 पे 6:47 पे आएगा लुधियाना। मैं आपको मिलता हूं डायरेक्ट लुधियाना पे। तो हमारी ट्रेन 4 मिनट डिले के साथ खरड़ को क्रॉस कर चुकी है एंड मैंने लिया है वेज कटलेट। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो देखने में सही लग रहे हैं, मैं टेस्ट करके देखता हूं और आपके साथ इसका फीडबैक शेयर करता हूं। तो ये कर लिया जी मैंने अपनी बाइट तैयार, स्प्रेड कर रही है अच्छे से कटलेट। अब इसको खाते हैं और इसका टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, सही में बहुत टेस्टी है, बहुत सही है। तो दूसरी जो अच्छी चीज़ मुझे लगी इस ट्रेन की वो था खाना। जो पेंट्री वाला आए थे, हालांकि इसमें पेंट्री नहीं है, साइड पेंट्री से आता खाना, कटलेट मैंने लिया था। जो भैया थे कटलेट वाले, उन्होंने मुझे बोला था यार कटलेट खाओ, अगर ना अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं पैसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा चलो यार मैं खा लेता हूँ, वैसे भी मुझे भूख लगी थी। सही में कटलेट बहुत ही सही था, गर्म था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड था। एंड अगर आप इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो मस्ट रिकमेंड है, आप ज़रूर खाइए कटलेट। लुधियाना के आउटर पे हम पहुंच चुके हैं एंड ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है। आगे झाड़ियां आ गई हैं, पहले व्यू बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ से देखिए ये फ्रंट गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। सामने से कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है।
बिलासपुर अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ट्रेन में जलंधर से अमृतसर की मैंने जर्नी की थी थर्ड क्लास इकोनॉमी में, वो भी आप जाके देखिए, मैंने अपलोड कर दी हुई है वीडियो। ये जो एम लिखा है, M1 M2 M3, ये जितने कोच एम वाले ये सारे इकोनॉमी के कोच हैं, और ये जो B1 B2 है ये थर्ड AC है। अगर आपने दिल्ली जाना है तो ये छत्तीसगढ़ और दादर को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि ये कम से कम 12-13 घंटे लेती है। नॉर्मली अगर हम बात करें वंदे भारत या शताब्दी की, वो मिनिमम 5.5 से 6 घंटे में आपको पहुंचा देती है। ये जो गाड़ी है छत्तीसगढ़ और दादर, ये वाया मुजफ्फरपुर सहारनपुर जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। शान से लहराता तिरंगा और निर्धारित समय से 10 मिनट डिले के साथ हमारा हो रहा है अराइवल लुधियाना जंक्शन में। सामने शताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है। लुधियाना में इंटरसिटी का 7 मिनट का हॉल्ट है, सिग्नल दे दिया गया है, गाड़ी भी चल पड़ी। ये सामने आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। रीडेवलपमेंट की लिस्ट में जो लुधियाना स्टेशन है, लुधियाना का काम शुरू हो गया रीडेवलपमेंट का। पिछले कुछ टाइम पे आपने नोटिस किया होगा, जो भी गाड़ी लुधियाना आती थी वो इंस्टेड ऑफ लुधियाना उसका स्टॉप जो है वो टांडरिया कला दे दिया गया था। वो इसी वजह से थे क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में भी मैंने दिखाया था, वहाँ पे भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है स्टेशन का, वैसे लुधियाना में चल रहा है। लुधियाना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे आपको हौजरी की, टेक्सटाइल की और भी कई, बाइक मैन्युफैक्चरिंग की और भी कई इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, इवन की एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चरल, वो भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी लुधियाना में ही है। जिस गाड़ी में मैं सुबह आया था अमृतसर चंडीगढ़ इंटरसिटी, वही सेम गाड़ी ये है जो अमृतसर से भी शाम को चलती है। पहले इस गाड़ी में सिर्फ चेयर कार थे, लेकिन आप देख सकते हैं ये यहाँ पे थर्ड AC भी है, सेकंड AC भी है। आपने देखा लुधियाना का अराइवल और डिपार्चर, अब हम डायरेक्ट मिलेंगे जलंधर में। जलंधर का अराइवल और डिपार्चर आपको दिखाऊंगा, लगभग अराउंड 56-57 किलोमीटर्स है लुधियाना से जलंधर। समय से 5 मिनट की देरी से हम पहुंच गए हैं जलंधर सिटी। जलंधर सिटी का कोड है JUC। जलंधर में आपको काफ़ी खाने पीने की ऑप्शंस मिल जाएंगी, यहाँ पे फूड ट्रैक भी है, वो सामने देखिए फूड ट्रैक है। स्टेशन में भी आपको काफ़ी खाने पीने की यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगी, स्टॉल्स वगैरह आउटलेट यहाँ पे काफ़ी हैं। जलंधर सिटी से हो गया जी हमारी गाड़ी का डिपार्चर।
जलंधर में स्पोर्ट्स की बहुत ही बड़ी मार्केट है। दुनिया भर में जलंधर से भेजा जाता है स्पोर्ट्स का सामान। स्पेशली अगर मैं बात करूं क्रिकेट के जो भी इक्विपमेंट है वो जलंधर में बहुत ही लार्ज स्केल पे बनती है और एक्सपोर्ट की जाती है। जलंधर के बाद सेकंड लास्ट स्टॉप जो है वो है ब्यास। इसके बाद आएगा ब्यास, देन हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है अमृतसर। 5 मिनट डिले के साथ इंटरसिटी का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ब्यास जंक्शन पे हो चुका है अराइवल। ब्यास जंक्शन पे मात्र 2 मिनट रुकेगी इंटरसिटी। ब्यास के बारे में मैं आपको बता दूं, ब्यास अमृतसर और दिल्ली रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। चाहे वंदे भारत हो, चाहे शताब्दी एक्सप्रेस हो, चाहे या फिर कोई और इंपॉर्टेंट ट्रेन, जितनी भी टॉप प्रीमियम ट्रेन्स हैं वो रुकती हैं ब्यास पे। ब्यास अपने डेरे के लिए भी जाना जाता है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा, जहाँ पे हजारों लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं नतमस्तक होने। ब्यास रेलवे स्टेशन को क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड भी मिल चुका है। 2 मिनट हॉल्ट के बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस का ब्यास जंक्शन से डिपार्चर हो गया। से हो चुका है हमारा डिपार्चर और अब गाड़ी सीधा रुकेगी अमृतसर, जो है हमारी डेस्टिनेशन। फिलहाल गाड़ी 5 से 7 मिनट लेट चल रही है, लेकिन इतने टाइम का कुछ नहीं होता, वो तो आराम से कवर हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अब आपको डायरेक्ट अमृतसर में। काफी टाइम हो गया, आउटर पे ही रुकी है गाड़ी एंड सिग्नल अभी भी डाउन ही है। बिफोर टाइम पहले पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, यहीं फाटक पे रुकी है। सामने क्रॉसिंग है, यहीं से अब मैंने प्लान बनाया कि मैं यहीं उतर जाऊं। मुझे पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा गाड़ी को जाते, कितना नहीं, तो इट्स बेटर कि मैं यहीं उतर जाऊं। सामने फाटक है, यहाँ से निकल के कन्विंस करके मैं पहुँचूँ अपने घर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता ही रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। मेरी ट्रेन मैंने क्रॉसिंग कर ली है, तो अब मैं यहीं से निकल रहा हूँ। सामने कन्वेंस मिल जाएगी कोई ना कोई।